फातिमा मैम, वो कहाँ है? ब्राइडल टाइम, उन्हें अंदर बुला रही हैं। जी बस वो आ रही हैं। प्लीज आप उन्हें जल्दी बुला लें, उनका नंबर आ गया, हमारे और भी क्लाइंट्स हैं। जी ओके। हेलो अनिका, कहाँ हो तुम यार? हेलो फातिमा। जी ताइमी। तुम अभी क्या कह रही थी, अनिका कहाँ चली गई? वो ताइमी, अनिका ना वॉशरूम गई थी, मैं उसे यही बोल रही थी कि कहाँ थी तुम, कब से ब्यूटीशियन इसका इंतजार कर रही है। अच्छा चलो ठीक है बेटा, तुम सिर्फ उससे ये पूछ के बताओ कि वो जेवर कहाँ रख के चली गई है, सुल्ताना ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई। जी ताइमी, अनिका अंदर है, मैं उसे पूछ के बताती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ताहिर, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें कितनी आसानी से हासिल कर ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये इस तरह तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊं, कभी। सच कहूं तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ। मेरा मतलब है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मिल रहे हो। लेकिन अब यकीन कर लो मुताहिर कि हम दोनों एक हो चुके हैं। हेलो अनिका, कहाँ हो तुम? मैं कितना परेशान हो रही हूँ, कितनी देर हो गई, अब तक आई क्यों नहीं हो? क्या करूँ फातिमा, मेरा यहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर रहा। क्या फजूल बातें कर रही हो, मैं कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, परेशान हूँ, और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं आने की। ताई अम्मी का कितनी दफा फोन आ चुका है, कितना संभाल रू मैं। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ, तुम परेशान मत, जल्दी पहुंचो प्लीज। ओके। क्या हुआ, क्या कह रही थी? मुझे जाना होगा, वहां सब मेरा इंतजार कर। ठीक, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन अनिका प्लीज एक बात का ख्याल रखना, तुम किसी को हमारे निकाह के बारे में नहीं बताओगी। मैं नहीं चाहता कि इस सारी सिचुएशन के जिम्मेदार वो तुम्हें ठहराए। अगर कोई इस चीज को फेस करेगा तो मैं खुद करूंगा। प्रॉमिस। आई प्रॉमिस।